सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर पाए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं पिक्सर की तरफ से आने वाली एनिमेशन फिल्म ऑनवर्ड के बारे में। तो क्या डिटेल हमें देखने मिली है इस फिल्म के छोटे से टीजर में, चलिए उस पर कुछ डिस्कशन करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस फिल्म को लेकर मुझे लगता है आप सभी की भी एक्साइटमेंट काफी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पिक्सर फिर से अपने ट्रैक पर आ रहा है। जी हाँ, अगर आपने देखा होगा तो पिक्सर ज्यादातर तो आज की तारीख में अपने खुद के कंटेंट पर फिल्में नहीं बना रहा है, यानी मैं यहाँ पर बात ओरिजिनल कंटेंट की कर रहा हूँ। बेसिकली अगर देखा जाए तो पिक्सर में हमें कुछ दिनों से फिल्में प्रीक्वल और सीक्वल ही देखने मिल रही है, लेकिन बीच में फिल्म रिलीज की गई थी कोको, जो कि पिक्सर की खुद की ओरिजिनल स्टोरी थी, जो बहुत ही ज्यादा लाजवाब थी। और इसमें कोई शक नहीं कि पिक्सर एनिमेशन स्टूडियो हमें हमेशा से बेस्ट फिल्में ही देता आया है, जो कि वो अब भी देगा, और इस फिल्म से मेरी उम्मीद इसी के चलते बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और अगर बात करें इस फिल्म की रिलीज डेट की, तो ये फिल्म नेक्स्ट ईयर 2026 मार्च को रिलीज होगी, जिसे अभी के लिए फिलहाल तो थोड़ा टाइम है। और इसी के साथ साथ बात करें फिल्म के वॉइस एक्टर की, तो इस फिल्म में हमें वॉइस नजर आने वाली है टॉम हॉलिन, क्रिस प्रैट और ऑक्टेविया स्पेंसर की, और तीनों ही कितने ज्यादा टैलेंटेड एक्टर है उन सभी के बारे में मुझे आपको बताने की कोई जरूरत है नहीं। इसलिए बात करते हैं यहाँ पर इस फिल्म के थोड़े से प्लॉट के बारे में। एक्चुअल में ये स्टोरी है दो भाइयों की, दो टीनेज भाइयों की, जो निकल पड़े हैं मशरूम टाउन से एक क्विस्ट पर, यानी एक नई खोज पर, जिस खोज में उन लोगों को ये पता लगाना है कि क्या मैजिक जैसी चीज भी आज की तारीख में उनकी दुनिया में बची है या नहीं। क्योंकि जिस तरीके से इस टीजर की शुरुआत होती है, तो हमें उस टाइम पर दिखाया जाता है कि आज से कई सौ साल पहले जादुई दुनिया दिखने में कैसी थी, और देखते ही देखते वक्त बदला और वहाँ पर रहने वाले लोग भी, जिन्होंने वक्त के साथ साथ खुद को बदलकर अपने आप को पूरी तरीके से ढाल लिया है और ये सीख लिया है कि आज के समय में कैसे जीना है। यानी देखा जाए तो धीरे धीरे इस दुनिया से जादू जैसी चीजें भी गायब हो गई है, और चीजें इस मैजिकल वर्ल्ड की भी अब काफी ज्यादा नॉर्मल है। वेल, सुनकर फिल्म का प्लॉट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन ये कंफर्मेशन है नहीं कि ये मैजिक दुनिया हमारी दुनिया से कनेक्ट होगी या नहीं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात मैजिक वर्ल्ड की ही की जा रही है, जहाँ पर सिचुएशन अब बहुत ज्यादा बदल चुकी है। वेल, फिलहाल के लिए यही प्लॉट डिटेल हमें मिलती है इस छोटे से टीजर को देखकर, और मुझे लगता है बाकी डिटेल हमें जब इस फिल्म का ट्रेलर आएगा तभी पता चलेगी। लेकिन बात करें फिल्म के इस एनिमेशन की, तो ऑब्वियसली पिक्सर की फिल्म है तो एनिमेशन में कोई भी कमी नहीं होगी। हर एक एनिमेशन स्टाइल, चाहे आप यहाँ पर बात कर लो और मोमेड्स या फिर एल्फ की, सभी की डिजाइन बहुत ज्यादा यूनिक है। यहाँ तक कि इस पूरे के पूरे मैजिकल टाउन की डिजाइन भी बहुत ज्यादा अलग है, जो हमें देखने से बिल्कुल भी ज्यादा डरावनी लगती है नहीं। और अगर बच्चे भी इस फिल्म के टीजर को देखेंगे तो डेफिनेटली उन्हें फिल्म का टीजर बहुत ज्यादा पसंद आएगा, और यही पिक्सर की खासियत है। वरना अगर फिल्म को काफी डरावने अंदाज से बनाने की कोशिश की जाए तो बच्चे फिल्म को देखने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड होते नहीं है, और फिल्म सिर्फ और सिर्फ बड़ों के लिए ही रह जाती है। इसलिए यहाँ पर पिक्सर स्टूडियो बच्चों को भी काफी ज्यादा ध्यान में रखता है, इसलिए हर बार पिक्सर स्टूडियो की तरफ से फिल्मों को काफी अलग ढंग से डायरेक्ट किया जाता है, ताकि एनिमेशन स्टाइल्स बहुत ही ज्यादा अच्छी लगे। वेल, तो अब बस इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है ऑनवर्ड फिल्म को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप इस फिल्म के टीजर को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड है, और आपकी क्या उम्मीद है पिक्सर की इस फिल्म को लेकर। तो अब बस इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लगे हाथों उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।